सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही आसान है। मैं जो आपको बता रही हूँ उतना आप बाज़ार में से लाइए, पाउडर फॉर्म में मिलता है वो, और वो सुबह शाम ले लीजिए। इससे आपको फ़र्क आता है। अगर आपकी किडनियाँ डैमेज हो रही है और आप डॉक्टर को लगता है कि अभी डायलिसिस करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल ही मत घबराना। मैं अभी जो दवाई बता रही हूँ, जो मैं हर्बल हर्ब्स बता रही हूँ, वो आप बाज़ार से ले कर आना और आप उसका उससे आप इलाज चालू कर देना। आपको अगर डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वैसे भी तो आपकी किडनियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो मैं अभी जो बता रही हूँ वो आप बाज़ार से ले कर आना और सुबह शाम लेना। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ वो है पुनर्नवा। ये पुनर्नवा बाज़ार में मिलती है। पुनर्नवा सुबह, ये पुनर्नवा एक नंबर पुनर्नवा, दूसरा है गोक्षुर, तीसरा है गुड़वेल, चौथा है ड्राइड जिंजर और पांचवा है खस। ये पांच जो है, ये पांच आपको पाउडर फॉर्म में हर एक 10-10 ग्राम्स में आप बाज़ार से लेके आना, और ये 10-10 ग्राम्स का हो गया 50 ग्राम्स, और ये 50 ग्राम्स सुबह शाम, मतलब सुबह और शाम को, मतलब देखिए दो बार लेना है, आधा आधा चम्मच आपको लेना है और गर्म पानी में से लेना है, और ये सुबह शाम लीजिए। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आप रेगुलर ले सकते हो, पूरे ज़िंदगी के ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये सीरम क्रिएटिनिन आपका कम करता है, तो किडनियाँ डैमेज भी नहीं होंगी और आपके किडनी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और इसकी अगर आपकी किडनियाँ अच्छी तरह से काम करती हैं, तो आपका आपके टॉक्सिन्स शरीर में नहीं रहेंगे और आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। देखिए, और एक बार मैं आपको बताती हूँ, नंबर एक पुनर्नवा, नंबर दो है गोक्षुर, नंबर तीन है गुड़वेल गिलोय जिसे बोलते हैं, नंबर चार है खस और नंबर पाँच है जिंजर, ड्राइड जिंजर जिसे हम सौंठ बोलते हैं। और ये जो पांच चीज़ें हैं, ये आप घर में रख लेना, इससे किडनियाँ ख़राब नहीं होगी और आप में कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। मैं डॉक्टर अनघा कुलकर्णी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।